कांपे तो आपको पता है, जिनके टांग वो कांप रहे वो तो कांपने दो, उसके तो मेरे ख्याल में कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं। इससे और बड़ी बदकिस्मती क्या हो गया, अगर बिल्लोर अली पाकिस्तान का वजीर आजम बने तो ये हमारी बदकिस्मती होगी। नानी को तो बिल्कुल वो उसमें तो वो कैपेसिटी नहीं कि मुल्क का वजीर आजम बने, उन्होंने मजाक समझा हुआ इस पाकिस्तान को। ये तुम तबाह दे तदी जुमले डेफिनेशन बिल्कुल पुख्तन जगह दबारा चे आगा दे रिखपुल मुल्क दबारा चे कम दे अर मुश्किल वक्त की वलाड़ी पा अर जंग की पा अर ताकि पूरा पाकिस्तान को मेरी मैसेज जाए। मेरा ताल्लुक मलकान रीजन डिस्ट्रिक्ट चित्राल से है, मुराद सईद हमारा बच्चा है, मुराद सईद पाकिस्तान का सरमाया है, मुराद सईद इमरान खान के बाद तहरीक इंसाफ का हीरो है, मुराद सईद हमारा फ़ख्र है। वो कौम के लिए बात कर रहा है, कोई गलत बात उसने नहीं की कि जी आवाज़ उठाना जनाजा उठाने से बेहतर है, इसमें क्या गुनाह वाली बात है। ये सवाल पूरा पाकिस्तान कर रहा है हमारे इदारों से, इसमें क्या कौन सी गलत बात की उसने, मुल्क के खिलाफ बात की, कोई मुल्क की गद्दारी की, ये आम सी बात थी अपने आवाम के लिए अपने मजलूमों के लिए आवाज़ उठाना, हमारे हम सब की आवाज़ है ये, हम सब मुराद सईद है, मुराद सईद हमारा रेड लाइन है किस्म का, मुराद सईद को हाथ लगाना हमारे इदारों के लिए बहुत महंगी पड़ेगी, पाकिस्तान में वो इंतशार पैदा होगी जो कभी नहीं संभाली जाएगी। ये जो कुछ करवा रहे ये पीडीएम पीछे बैठ के इदारों से, ये पाकिस्तान की मौशत को नुकसान पहुंचाना चाह रहे, ये पाकिस्तान के साथ दुश्मनी है, मुराद सईद के साथ नहीं है, हम सब मुराद सईद हैं। अपने मुल्क के लिए हम ये पैगाम सबको देना चाहते हैं, हमारा मुल्क पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है और हम सब पुरअमन ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, हम खान के साथी है, खान की सपोर्टर और इस पाकिस्तान के लिए जैसे भी हर मरहले से हम लोग गुजरेंगे। आज भी आप देख रहे हैं कितने पुलिस है, क्या है, हमें कोई खौफ नहीं है अपने पाकिस्तान अपनी सरजमीन के लिए और अपने आने वाले नस्लों के लिए। इस तरह के बहुत से पुलिस खड़े हो जाए, ये भी हमारे बच्चे हैं, इनको गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। जरदारी साहब ने फरमाया था कि अगर बिलावल साहब राज़ी हो जाएँ तो नेक्स्ट PM बिलावल भुट्टो साहब हैं। नहीं जी, आप देख रहे हैं कि इन लोगों ने पहले क्या किया अब क्या करेंगे, ये इंशाल्लाह हमारे इमरान खान आएगा। इन लोगों ने जो ज़ोर ज़बरदस्ती और अदालतें भी खुल गए ना, देखो हमारे पाकिस्तान में इन लोगों ने आईन छोड़ा ना, इन लोगों ने कानून छोड़ा ना, कोई तरीका छोड़ा, तो हम लोग इसके खिलाफ है। जिस मुल्क में आईन और कानून नहीं होते वो मुल्क तबाह होते, और हम इसके बिल्कुल खिलाफ है। इंशाल्लाह हमारे इमरान खान बारे अक्सरियत से आएंगे और इन लोगों ने आईनों में अपने चेहरे देखे हुए। काम पे किसकी टांग रही है, काम पे तो आपको पता है जिनके टांग वो कांप रहे वो तो कांपने दो, उसके तो मेरे ख्याल में कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम PTI वाले डट के खड़े अपने खान के साथ खड़े हैं। बहुत शुक्रिया जी। मैम आप क्या कहना चाहेंगी, जरदारी साहब का एक मैसेज था, आपने भी देखा होगा कि बिलावल भुट्टो साहब राजी नहीं हो रहे, PM देख रही हैं बिलावल भुट्टो को? मैं कह रही हूँ पाकिस्तान की, मैं इससे और बड़ी बदकिस्मती क्या हो गया, अगर बिल्लोर अली पाकिस्तान का वजीर आजम बने तो ये हमारी बदकिस्मती होगी, और इंशाल्लाह ताला ऐसा होगा नहीं, ये बारियां लेने वाला टाइम गुजर गया, अब बारियां लेने वाले मतलब नवाज को मानती हैं नेक्स्ट PM कहीं के अगर इलेक्शन होते हैं तो? बिल्कुल भी नहीं, नानी को तो बिल्कुल वो उसमें तो वो कैपेसिटी नहीं कि मुल्क का वजीर आजम बने, उन्होंने मजाक समझा हुआ इस पाकिस्तान को, ये कोई बाप उनके बाप की जगीर है, ये वारियाँ ले लेके वजीर आजम बनते रहे, वजीर आजम इंशाल्लाह ताला इमरान खान ही बनेंगे। माँ देखो दा खबर ओकड़ला चे दा टूल जमुंगा दा टूल सरमाएदा तो जमुंग टूल दरी पाकिस्तान सरमाए दगा शांति मुराद सही दे दगा शांति तसुगुर द PTI ची सोन दा वर्कर आंदी सपोर्टर आंदी दर पाकिस्तान सपोर्टर आंदी और नन तसुगुर है ची पदी पूरा तसु पदी पूरा पाकिस्तान क्यों गुर उस PTI ने खबर हो तेरा उस अर पाकिस्तान है ची सोन जमुंग आवाम दी पाकिस्तान अगर टूल यो दखपल पाकिस्तान द पारा द पुर अमन द पारा आवाज जो थे या पदी के सुख दहशत गर्द है ते जे मुंगा पुर अमन जिंदगी वाड़ू मुंग के दहशत गर्दी निश्तर है और दा खलक ती मखिम चकम दे पाकिस्तान है स्कड़े दे पार यो नमूना पार शकल मान दे ना मग लग गया दी लेकिन राधी और नन तासु गोर है चीज़ मुंगा यो लीडर दे कले पर यो दगा किरा गिर रही पर केस के कले बल और इस हम निश्तर है सिर्फ और सिर्फ दूध अखपल लगानो द पारा लगते हैं मुग दिया पिंजा और जी म्याज दो म्याज से द्री म्याज से गिन दा इम्पोर्टेड हुकूमत इस सो के न मनी तासु ग्रानी गोर है जमुंगा खान यो कार्डो द आई डी कार्डो द लस लख रुपो पे दखल को इलाज के दो नन पा आगा आई डी कार्ड मान दी दूचे कम दे द शुगु बोरे पखल को मान दे खर से और पागे माँ के द हिरबुन रुपो आगे लगाने उकड़ा ले मुंगा इस कलब हम देख लगा उन प्रीदू सोना खलक बदू गिरफ्तार है या सोना खलक पर चिकम दे दूबा दा जुलम ब कई जमुंगा अली अमीन तो गोरा जमुंगा मुराद सईद तो गोरा मुराद सईद मुंगा हुए चे मैं भी मुराद सईद हूँ ये भी मुराद सईद है हम सब मुराद सईद है आओ पा आगा जुमला के डेर हदा पोरे हकीकत हम दे वही पुख्तून तबा दे
د دې جملې ډیفینیشن وکایم بالکل پختون زګه د بارا چې هغه د خپل ملک د پاره چې کم ده ار مشکل وخت کې ولاړی په ار جنگ کې په ار ماز کې هغه ولاړی زګه پختون د باد پختون باندې چې کم ده د پاکستان آباد او ان شاء الله پختون به د دې خان سره ډټ کې ولاړی او خان ته چکم ده نسوک زمونګه مراد سعید ته چکم ده نسوک برکت شي نه زمونګه خان ته ان شاء الله زمونګه الله چکم ده زمو پسر ماندې او غر دي ټول عوام او د دي خلکو چکم ده आवाज ګوري د دیو چکم ده غ جذبه ګوري نو د خپل ملک د پرار چاله پکادو ار پختون له پکار ده چې هغه आवाज چوت کی او د پاکستان د پاره د پختون ډېر غټ قربانيان زکه داخله کوي پختون ډېر مننه درته وایي جی په پی ایم ایل ان کې کومو ګورو نو د نواز شریف نه پس شباز شریف او داغه نه پس مریم نواز مریم نواز چې د اغه تاسو سره روان وخت کې پرایم منیسټر ګوري ولې چې داغه خوب دادې نو هغه تاسو ګوره چې ارسه تباہ برباد ک هغه نه خو یو دوه خطا شي وی دغه چې خلک وی کنه وی مریم نه یو کتا پاله موچو والا موچو والا الحمدلله تاسو ګوره مونږه خو ریلیکس ناست یو مونږ ته پته زمونږه پاکستان پر امن ده او د دوی به خوبونه د دوی خوش پارٹی ختمه ده د دوی خو کینډیډیټ هم نشته د دوی خو بانک هم نشته زکه خو کله یو میاش کله ګره دا خو زمونږه عینی حق ته چې کله ته دغه ختم شي اسمبلی نه نو نو ورځو کې بته الیکشن کې را دي شي الیکشن دوی کې خو هغه افسوس زده چې هغه سه کینډیډیټ نشته داغو ټیکټ نه خلک انکار کوي داغو نه خلک انکار کوي بس صرف یو سوشل میډیا باندې یو سو پارٹیانو یو دیشي ویډیو یو شو شپری خدا او خلک تنګي ای سم نه کیږي ان شاء الله خا دل راز